बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, यहाँ पे कोई हलीब का दूध का डब्बा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पार्सल रिसीव हुआ था मून टच की तरफ से, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सो यहाँ पे हम इनको करेंगे अनबॉक्स, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इनके रिव्यूज़। जो आपने जो है वो कनेक्ट रहना है, मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार करना है कि कौन कौन से रिव्यूज़ मिलने वाले हैं, और बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वर्थ बाइंग है या नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि मुझे जो है वो क्या क्या रिसीव हुआ था। तो बहुत ज़्यादा पैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कट हार्ड थी, लेकिन आपको मैं आगे बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। पैकिंग तो बहुत अच्छी थी कि कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं टूट सकता। बहुत अच्छी तरीके से मून टच वालों ने अपनी तरफ से पैकिंग की हुई थी। देख सकते हैं कि फ्रंट से पूरी शीट थी वो मैंने हटाई, टेपिंग हटाई, देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो कार्डबोर्ड थे जो मैंने हटाए हैं, और देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है रिसीव हुए हैं ये सारे पार्सल, ये सारे प्रोडक्ट मेरे पास से रिसीव हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है मून टच का फेशियल वाइटनिंग वाला, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है ट्रिपल एक्शन क्लिनजर, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं। अच्छा, मून टच की पैकिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है, नो डाउट पैकिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने बेबी केयरफुल बहुत अच्छे से किया, लेकिन पार्सल रिसीव डिलीवर करने वाले जो है ना एक ना बड़ा भंड मारा है ना, कि उन्होंने पता नहीं कैसे जो है ना वो बॉक्सेस उठा उठा के फेंके हैं ना, कि इसमें से एक जो मेरा क्लेंजर है ना जो वो है वो थोड़ा सा क्रैक हो गया था, जो मैंने उनको कंप्लेन कर दी थी मून टच वालों को कि ये ऐसा मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मून टच वालों का मेरे पास तीन क्लेंज़र रिसीव हुए हैं, जिनके जिसमें जो है वो एक जो है था जेल फॉर्म में क्लेंज़र था, देन उसके बाद मिल्क फॉर्म में था, और देन ट्रिपल एक्शन का क्लेंज़र था, ठीक है। और उसके बाद वही स्क्रब, मसाज और मास्क था, ठीक है। अब मैं यूज़ करने के बाद आपको ज़रूर रिव्यू दूँगी, और उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर सेपरेट से बनाऊँगी कि इसका फेशियल के रिज़ल्ट कैसे हैं, और आप उसके रिज़ल्ट को कैसे जो है वो अचीव कर सकते हो बिना कुछ यूज़ किए, यानी कि कोई भी चीज़ यूज़ किए हुए आप इसका सिर्फ सेपरेट से यूज़ करें। अच्छा, इसके साथ मुझे ब्लीच भी रिसीव हुई थी 20 वॉल्यूम, और अच्छा ये जो है वो मुझे तो गिफ्ट में यूज़ हो, ये गिफ्ट मिला था फूड जो मैनीपैडी का फूड सोक होता है वो रिसीव हुआ था, और ब्लीच का पाउडर और ब्लीच जो है वो 20 वॉल्यूम भी रिसीव हुआ था, और इसका जो कैप ना ढक्कन मतलब जो इसका पाउडर का वो भी टूटा हुआ था। ये दो कंप्लेंट्स थी जो मैंने उनको कर दी थी, और पैकिंग उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन जो डिलीवरी करने वाले ने जो है ना वो बहुत बॉक्स जो है ना वो पता नहीं कहाँ से उठा पटक फेंके हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने इनका जो जो 20 ml था ये फेशियल के साथ मुझे रिसीव हुआ था सिरम, और जो बड़े वाला जार था वो मैंने जो है वो मंगवाया था, ठीक है, ऑर्डर करके, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो बबल रिपिंग भी है, ये इनके मेरे पास जो है वो फाउंडेशन है, मैं जो अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है वो लाइन से सारे लगा दिया था कि मुझे क्या क्या मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बड़े वाला सीरम है ना, ये मैं ऑलमोस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा मैं पार्लर में यूज़ करती हूँ, उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। काफ़ी चीज़ों में मैं उनको हर तरीके से जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट हैं। सिर्फ इसको सेपरेट यूज़ नहीं करती हूँ मैं, इसको जो है वो इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अनबॉक्स कर दिया था मैंने, इसको रैपिंग खोल दी थी, बबल रैपिंग हुई हुई थी, और उसके अलावा ये मैं आपको शो करा रही हूँ, ये बबल रैप था, देन उसके बाद यहाँ पे जो प्लास्टिक वाली जो होती है ना वो भी ऊपर से, ये देखिए मैं जैसे इसको खोलूँगी ये इस पर भी था। मतलब इनकी पैकिंग बहुत अच्छी थी कि क्लाइंट्स के पास जो है वो अच्छे से आप प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हो, लेकिन ये जो डिलीवरी करने वाले होते हैं ना ये बहुत ही जो है ना वो ख़राब तरीके से, कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कोई भी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरे पास हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये दो शेड मैंने जो है वो मंगवाए थे, एक डार्क था और दूसरा जो है वो 38 था। यहाँ पर मैं डार्क अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ये एक जो मुझे जो है ना फील हुआ कि जो इनका जो डार्क है ना, ये मुझे फील हुआ कि ये 45 शेड पर जा रहा है, और जो इनका 38 शेड था वो आइवरी पे जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा फेयर था, लेकिन उनको शेड जो नंबर जो है वो इनको चेंज करने चाहिए बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए 38 है, ये आप शेड चेक करें, ये ऐसा लग रहा है कि मतलब आइवरी से भी ऊपर जा रहा था, मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर कलर पे था, और कवरेज इसकी जो है वो नो डाउट बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं इसको जो है वो रिव्यू दूँगी फुल अच्छे से टेस्ट आउट करके, फिर आपको साथ जो है वो वीडियो शेयर करूँगी फेशियल की भी और इन प्रोडक्ट्स की भी, ठीक है, फाउंडेशन की भी। सो आपने कनेक्ट कर रहना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लिया करें, ठीक है। सो कनेक्ट रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और जरूर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। तो आपने जो है वो कनेक्ट रहना है कि अभी किस किस प्रोडक्ट को जो है वो कैसे यूज़ करूँगी, और इसका रिव्यू कैसे मिलने वाला है। अल्लाह।